हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की अपडेट वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या आपने उसके बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा कॉलेज लेवल में, तो इन तीनों स्टेजेस में आपकी पढ़ाई रुके ना, आपको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है। कौन कौन से ये स्कॉलरशिप हैं, कैसे आपको इनका बेनिफिट लेना है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी आपको बातें ध्यान रखनी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि आपको सही जानकारी सही अच्छे से मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इन बेनिफिट्स का बहुत से बच्चे इनका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सेशन 2021-22 यानी कि 21-22 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो पोर्टल की आपको बात करूँगा। पहला पोर्टल है आपके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और दूसरा रहेगा आपके लिए NSP पोर्टल। दोनों का अलग अलग सिचुएशन रहेगा, अलग अलग क्लासेस के लिए रहेगा, अलग अलग इसके लिए क्राइटेरिया रखी हैं। तो पहले मैं ई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको दो टाइप के फिर से आपको कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहली कैटेगरी है आपके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरा आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पर 9th और 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो 11th और 12th के बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्राइटेरिया है कि फेल या रिपीटर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि इसका लाभ नहीं ले सकते। अगर आप रिपीटर हैं, एक साल फेल होने के बाद ले रहे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास इनकम एफिडेविट, यानी कि आपकी जो इनकम है एनुअल, यानी कि साल की, काफ़ी सारे बच्चे इसको मंथली ले लेते हैं, लेकिन साल की आपकी इनकम सारे सोर्सेज से 2.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। अगर आपके 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो नॉर्मली 2.5 लाख से कम ही इनकम रहती है हमारे पेरेंट्स की। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बल्कि इनकम की आपको एफिडेविट लगानी है, और एफिडेविट से ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दो तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। पहली मिलती है SC कैंडिडेट को और दूसरी मिलती है OBC कैंडिडेट को। दोनों का सर्टिफिकेट आपका आपके पास होना कंपलसरी है, यानी कि SC का भी और OBC का भी। साथ ही यहाँ पे लिए SC के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं रखी इन्होंने, बट हाँ OBC वालों के लिए यहाँ पर 60% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में आपके 60% अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से गुजरना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपना जरूर करवा लीजिए। उसके बाद अब जरूरी चीज़, आप पूरी वीडियो को ध्यान में रख कर के ही आप फॉर्म भरें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दूसरा हम बात करते हैं NSP पोर्टल, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और यहाँ पर भी आपको दो टाइप का स्कॉलरशिप रहता है, फिर से सेम रहता है। पहला यहाँ पर प्री मैट्रिक है और दूसरा यहाँ पर रहता है पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक यहाँ पर पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, यानी कि आप पहली दूसरी तीसरी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 10th तक पढ़ रहे हो, तो आप इस बेनिफिट, इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और जो पोस्ट मैट्रिक है वो आपका 11th 12th के बाद आगे ग्रेजुएशन लेवल तक वो आगे भी चलता है। तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए आपको माइनॉरिटी, यानी कि ये जो बेनिफिट है ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में भाग ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप इसके लिए गवर्नमेंट देती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो रहती है 1 लाख या इससे कम। अगर आपके 1 लाख या इससे कम इनकम है तो
तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर मैं EDST की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा, और अगर आपको NSP पोर्टल पे अपना स्कॉलरशिप लेना है तो वहाँ पर आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, 1 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें आपके पास जो मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर आप 7th क्लास में हैं तो आपके पास 6th क्लास में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 9th में हैं तो आपको 8th में 50% मार्क्स होने चाहिए, बाकी इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही आप इसे जो वो है आपका फॉर्म फिल करने का, तो जो लास्ट डेट है आप इसके लिए 15 नवंबर, यानी कि प्री के लिए और पोस्ट के लिए दोनों के लिए अलग अलग डेट है। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए यानी कि 10th क्लास तक हैं तो आप 15 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर दीजिए। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 15 दिन और दिए जाते हैं, और आप 30 नवंबर तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा लेट ना करें, बल्कि तुरंत ही आप इसे अप्लाई कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, NSP पोर्टल और EDistrict पोर्टल। आप कोई भी बच्चा दोनों में भाग नहीं ले सकता, आप या तो NSP में करवा लीजिए या आप EDistrict पोर्टल में करवा लीजिए। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और आप OBC भी हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा ना करें कि मुस्लिम में आपने NSP में करवा लिया और OBC में आपने EDistrict में अपना अप्लाई कर दिया, तो आपका दोनों ही रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि एक बच्चा एक ही स्कीम का लाभ ले सकता है। दूसरी चीज़ है आपका यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें। सबसे पहला काम, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास है वो कंप्लीट होने चाहिए, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने क्लास टीचर या स्कूल को वेरीफाई करने होंगे। जब वो कहे कि हाँ आपके पास सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप आगे जो ऑनलाइन है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा देते हैं लेकिन उसके बाद उसे अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि EDistrict पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, NSP पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ID पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई करते हैं तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन तो करवा देते हैं लेकिन उनका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर जानना है तो दोनों वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप NSP पोर्टल की है चाहे आप EDistrict पोर्टल की। तो दोनों वीडियोस का प्रोसीजर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का तरीका जानना है, कैसे अप्लाई करेंगे दोनों पोर्टल में, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको समझ ना आए, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास टाइम से मिलती रहे। जय हिंद।